दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में आज हम पढ़ेंगे बी टी सी या डी एल एड के फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स में यूनिट फोर का जो क्वेश्चंस है उन सब के बारे में दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो है इस चैप्टर के इस यूनिट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब देख लिए हैं तो आज हम उनके क्वेश्चंस को लगाएंगे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और एक भी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो दो, दो, दोस्तों और साथ ही मेरे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई का लाभ मिल सके मेरा ये चैनल एकदम फ्री है इसमें कोई भी आपको कभी कॉस्ट नहीं लगेगा बस आपको क्या करना है इसमें बने रहना है और, और सारे वीडियोज़ को देखते जाना है और नोट्स बनाते जाना है दोस्तों यहाँ पर आपको नोट्स की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको नोट्स जो है इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी और साथ ही यहाँ पर जो है आप अगर नोट्स मेरे साथ बना रहे हैं तो आप ऐसे ही नोट्स चलिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट्स मेरा जो है बनाते रह सकते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं इसका पी भी प्रोवाइड कर दूँगी वैसे मैंने जितना भी अभी तक का यूनिट ख़त्म किया है उन सभी यूनिट्स में जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनके वीडियो मैंने उन वीडियोस में मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके पीडीएफ डाल दिए हैं क्वेश्चंस के जो है पीडीएफ डी एफ इसलिए नहीं डालती हूँ ताकि आप मेरे साथ क्वेश्चन को क्या करें सॉल्व करें जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको आएगा अदरवाइज़ मैथ्स जो है वो देखने से नहीं आती है ये सिर्फ लगाने से ही आती है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं इस चैप्टर के तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है दशमलव संख्या की अवधारणा दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं यानी कि डेसिमल्स के बारे में हमने जो पढ़ा है उसी का क्वेश्चन यहाँ पे लगाना है तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है कि राधा ने एक दुकान से पैंतीस रुपये की किताब और पाँच दशमलव पचास यानी पाँच रुपये पचास पैसे की एक कॉपी खरीदी तथा तीन रुपये पचहत्तर पैसे की पेंसिल खरीदी और यदि उसने दुकानदार को पचास रुपये का नोट दिया तो दुकानदार उसे कितने रुपये लौटाएगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये एकदम छोटे बच्चों के लायक है आप इसे आसानी से कर लेंगे बस इसमें करना क्या है इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं तो जैसा कि यहाँ पर दिया है सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है किताब का जो रेट है वो कितना है दोस्तों किताब का रेट है पैंतीस रुपये फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कॉपी कॉपी का उसने क्या रेट लगाया है कॉपी का रेट लगाया है उसने पाँच रुपये पचास पैसे फिर उसी के बाद यहाँ पर पेंसिल है हमारी ये जो हमारी पेंसिल है उसका उसने रेट बताया है कितना उसका उसने रेट जो है तीन रुपए पचहत्तर पैसे बताए हैं तो पहले तो यहाँ पर आप जो है टोटल पैसे निकाल लीजिए कितने रुपए उसने दिए हैं यहाँ पे टोटल रुपए पहले निकाल दीजिए कि उसने कितने रुपए लगाए हैं तो यहाँ पर जो है आप इसको सबको ऐड करेंगे तो पैंतीस प्लस फाइव पॉइंट फाइव ज़ीरो प्लस थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो इसको आप जो है सॉल्व कीजिए यहाँ पर रफली हम कर लेते हैं यहाँ पर आपको दिखाना मैं सिखाना चाहती हूँ कि डेसिमल को कैसे हम ऐड करते हैं तो थर्टी फाइव के आगे कोई भी पॉइंट नहीं है तो आप यहाँ पर पॉइंट जीरो लगाएंगे तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसका मतलब पैंतीस ही होगा फिर यहीं पर जो है आपसे आ, दूसरा जो है यहाँ पर दिया है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है पाँच रुपये पचास पैसे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए फिर इसी के बाद यहाँ पर तीन रुपये पचहत्तर पैसे दिए हैं पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स हमने रखा आप इसको ऐड कर लीजिए जैसे आप ऐड करते हैं तो फ़ाइव यहाँ पर ज़ीरो और फाइव को ऐड करेंगे तो फ़ाइव आएगा और सेवन और फ़ाइव को ऐड करेंगे तो ट्वेल्व आएगा और यहाँ पर कैरी वन हो गया हमारा फिर इसको आप ऐड करेंगे तो फाइव फाइव टेन और ये वन और ये वन हो गया एलेवन और थ्री फोटीन तो फोटीन का फिर से यहाँ वन हो जाएगा वो कैरी वन हो गया और यहाँ पे थ्री और वन कितना हो जाएगा फोर और पॉइंट के नीचे पॉइंट्स है तो यहाँ भी पॉइंट्स लगा दीजिए तो इस तरह से जो डेसिमल होता है उसका क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं तो यहाँ पर जो एडिशन होता है वो जितने नंबर्स के बाद लगा है उतने नंबर्स के बाद आप भी लगा दीजिए तो दो नंबर्स के बाद है तो दो नंबर्स के बाद आप भी लगाएंगे यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे जो सबसे ज़्यादा नंबर्स के बाद पॉइंट है उतनी पॉइंट्स यहाँ भी लगेंगे फिर यहीं पर आप लिख लेंगे टोटल आपका कितना आया फोर्टी फ़ोर पॉइंट टू फाइव रुपए इतना जो है आपने क्या किया आपने खर्च किया है और आपने दिया कितना है पचास का नोट अगर आपने दिया है तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे या फिर उस दुकानदार ने कितने पैसे लौटाए तो यहाँ पर जो हो जाएंगे यहाँ पर बचे हुए पैसे तो बचे आपके अगर पैसे मैं बात करूंगी तो टोटल आपने पचास रुपये दिए उसमें से आपने फोटी फ़ोर चवालीस रुपये पच्चीस पैसे खर्च कर दिए तो आपके पास कितने बचे जितना माइनस आप करेंगे उतने ही आपके पैसे बचे हैं इसे भी आप माइनस कर लीजिए तो फिफ्टी के आगे पॉइंट जीरो जीरो लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर डबल पॉइंट्स के यहाँ पॉइंट्स के बाद डबल अंक है तो यहाँ भी डबल अंक होने चाहिए तो यहाँ ज़ीरो लगा देंगे तो यहाँ पर आप जो है फोर्टी फोर हो जाएगा पॉइंट टू फाइव इसको आपको घटाना है जब आप घटाएंगे तो इसको जैसे आप घटाते वैसे ही घटाइए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पर भी आप कैरी लेते जाएंगे तो यहाँ जीरो ले लेंगे तो ये नाइन हो जाएगा ये टेन हो जाएगा फिर इससे एक कैरी ले लेंगे तो ये टेन हो जाएगा ये नाइन हो जाएगा फिर इससे कैरी लेंगे तो ये टेन हो गया और ये नाइन हो गया फिर टेन में से फाइव जाएगा तो फाइव बचेगा यहाँ नाइन में से टू जाएगा तो सेवन बचेगा और यहाँ पर हमारा नाइन में से फोर जाएगा तो कितना बचेगा फाइव बचेगा और ये हमारा जो है जीरो हो गया यानी हमारा पैसा कितना बच रहा है पॉइंट पाँच रुपये पचहत्तर पैसे इतने रुपए आपके क्या बच रहे हैं शेष बच रहे हैं यानी दुकानदार आपको कितने पैसे लौटाएगा पाँच रुपये पचहत्तर पैसे लौटाएगा दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर मेरे साथ आपने क्वेश्चन को लगाया है तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा तो जो है दुकानदार कितने रुपए लौटाएगा हमको इतने रुपए यहाँ से लौटाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिया गया है कि डेविड के घर घर से बाज़ार जो है वो एलेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर दूर है इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाज़ार से वन पॉइंट टू फाइव किलोमीटर दूर है तो डेविड के घर से विद्यालय की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी जैसे आपको नहीं पता है तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है उसका घर है इधर साइड में क्या है बाजार है और इधर साइड में क्या है विद्यालय है तो आपको इसमें दिया है कि जो घर से बाज़ार की दूरी है वो इलेवन पॉइंट फ़ाइव किलोमीटर है फिर उसके बाद बोला है कि इसी रास्ते पर उसका विद्यालय विद्यालय जो है वो बाज़ार से जो कितने दूरी पर है वन पॉइंट टू फाइव किलोमीटर दूरी पर है तो यहाँ दोनों के बीच की दूरी दी हुई है वन पॉइंट टू फाइव किलोमीटर तो आपसे पूछ रहा है कि घर से विद्यालय की दूरी बताइए तो यहाँ तक की दूरी आपको पता है ठीक है उसने यहाँ तक की दूरी दे दी है और उसने यहाँ तक की दूरी, दूरी क्वेश्चन में दे दी है तो आपसे यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की दूरी पूछा है तो इस दूरी को इस दूरी को जब आप ऐड करेंगे तभी तो आपको टोटल दूरी पता चलेगी कि कितनी हमने जो है यहाँ से यहाँ तक चला है दूरी तो यहाँ से आपको जो है टोटल दूरी निकालनी है तो टोटल आपसे अगर दूरी पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलेवन पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट टू फाइव अब ये दोनों क्या है हमारे किलोमीटर में हैं तो इसे आप सॉल्व करेंगे डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो करेंगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव ये कैसे आया आप इधर देख लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इलेवन पॉइंट फ़ाइव है और ये हमारा क्या है वन पॉइंट टू फाइव है क्योंकि आपको पता है पॉइंट्स के नीचे ही पॉइंट्स होने चाहिए तो पॉइंट्स के नीचे ही पॉइंट्स है यहाँ पे हमारे तो ये इसके आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ज़ीरो है ठीक है दोस्तों तो ये हो गया हमारा फ़ाइव और फाइव और टू कितने हो जाएगा सेवन और यहाँ पे हो गया पॉइंट ये हो गया हमारा टू वन वन टू हो गया और ये हमारा वन हो गया तो ये वन यहाँ पे हो जाएगा कितना ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव तो ये हमारा क्या हो जाएगा इतना किलोमीटर क्या है यहाँ पर क्या है घर से विद्यालय की क्या है दूरी है घर से विद्यालय की दूरी ठीक है दोस्तों इतनी क्या हमारे घर से विद्यालय की दूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा गया है बहुत ही ईजी है मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगवाए भी थे और मतलब उसमें जब मैं आपको बता रही थी इसका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का तो यहाँ पर आपको दिया है तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले तो आपका दिया है यहाँ पे क्या सेवेंटी uh, फाइव में से टेन को डिवाइड करना है दोस्तों ये क्या हमारा डिवाइड का जो है चिन्ह बना हुआ है और आपको भी पता है कि इसका मतलब होगा सेवेंटी फाइव बाई टेन ठीक है सेवेंटी फाइव बाई टेन और आपको मैंने सिखाया है जब हम डेसिमल को जब हम इस तरह से फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जब डेसिमल होता है आपको पता है कि डेसिमल को जब हम हटाएंगे तो नीचे जो है उतना ही जितना डेसिमल ऊपर था उसको जैसे ही हमने हटाया उतना ही नीचे क्या हो जाएगा एक के बाद जीरो लग जाता है तो उतना ही एक के बाद यहाँ ज़ीरो लग गया होगा इसका मतलब ये था कि इसको जो है हमें भिन्न रूप में भिन्न से जो है हमें दशमलव रूप में इसको हल करना था हल करना है मतलब तो इसको अगर आप यहाँ देख रहे हैं इसका यहाँ पर इतना जीरो है इस जीरो को अगर हम हटा देंगे तो उतना ही ऊपर उतनी संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा दाएं साइड में उतनी संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा तो अगर यहाँ पर एक जीरो है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों सेवन पॉइंट फाइव क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो एक पॉइंट लगेगा ठीक है दाएँ साइड में एक पॉइंट लगेगा मतलब दाएँ साइड की एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा दूसरा जो है इसी में आपसे बोला है कि इसको आपको डिवाइड करना है तो आपको भी पता है कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको फोर नाइन सेवन एट को हमें डिवाइड करना है वन थाउजेंड से तो यहाँ पर भी आप देखिए कैसे दिया हुआ है यहाँ पर भी ऐसे ही दिया है एक दो तीन कितने जीरोज़ हैं तीन जीरो है तो वैसे ही एक दो तीन तीन संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए तो ये हो जाएगा फोर पॉइंट नाइन सेवन एट तो इस तरह से इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरा है यहाँ पर आपको दिया है फाइव ट्वेंटी को जो है आपको हंड्रेड से डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो आप जीरो से ज़ीरो को कट कर दीजिए ठीक है ताकि और सॉल्व हो जाए ईजी हो जाए क्वेश्चन फिर ये हो जाएगा हमारा फिफ्टी टू बाई टेन तो आपको भी पता है यहाँ पर एक जीरो है तो एक डेसिमल लग जाएगा ऊपर तो यहाँ पे फाइव पॉइंट टू हो जाएगा दूसरा आपको क्वेश्चन इसी में ही दिया नेक्स्ट आपका पूछा है यहाँ पे इसका भी आपको सॉल्यूशन बताना है ये दिया है हमारा बारह सौ पचहत्तर को सौ से क्या करना है भाग करना है जब आप इसको सौ से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि दो जीरो है तो ऊपर यहाँ पर दो संख्या के दाएं साइड में दो संख्या के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा तो ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव हो जाएगा तो ये सभी के आपके आंसर्स हो गए फिर यहीं पर आपसे बोला है कि किस संख्या में आठ का स्थानीय मान सबसे अधिक है मैंने आपको सिखाया भी है और फिर से समझा देती हूँ कि जब कभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तो स्थानीय मान अगर आपसे बोलेगा तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या डेसिमल से जितनी दूर होती जाएगी उसका मान उतना ही छोटा होता चला जाता है अब ये वाली संख्या जो है डेसिमल के थोड़ा पास है तो ये थोड़ी इससे क्या होगी ये वाली जो सेकेंड नंबर है ये फर्स्ट वाले से क्या होगी थोड़ी बड़ी होगी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक भी एट नहीं है तो ये क्वेश्चन तो मान लीजिए इसका तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया अब हमारा बच रहा है सिर्फ ये वाला तो इस वाले में आप देख रहे हैं कि इसको डेसिमल से कोई मतलब ही नहीं है डेसिमल के बाद की संख्या जो हमारी इधर साइड में है इधर एट दिया ही नहीं है सिर्फ इधर एट दिया है तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है इकाई पर स्थित है तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी यहीं पर सबसे अधिक स्थानीय मान होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर जो है वो सही हो जाएगा तो इसका आप जो है लिख भी सकते हैं इसको आप अगर जैसे इसका आप स्थानीय मान लिखेंगे तो क्या आएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो एट ठीक है इसका स्थानीय मान क्या आएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो एट दूसरा आपसे यहाँ पर से पूछा जाए इसका स्थानीय मान क्या होगा तो आपको पता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे हम आठ बटे सौ तो जब इसको लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जीरो पॉइंट एट हो जाएगा इसका तो डेसिमल इसमें तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें है ही नहीं एट यहाँ पर आप निकालेंगे इसका जो है ये इकाई पर स्थित है तो आपको पता है एट इंटू वन यानी यहाँ पर हमारा एट आएगा तो सबसे बड़ी संख्या एट है यहाँ पर हमारी दूसरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक बाल्टी का भार तीन रुपये एक सौ पचास मतलब तीन दशमलव एक सौ पचास ग्राम है तो बाईस बाल्टियों का भार आपको बताना है तो कैसे आप बताएंगे अगर आपको जो है क्वेश्चन में दे दिया एक बाल्टी का भार तो एक बाल्टी का भार कितना यहाँ पे एक बाल्टी का भार कितना है थ्री पॉइंट वन फाइव ज़ीरो ग्राम तो बाईस बाल्टियों का कितना हो जाएगा वैसे ही क्वेश्चन है जैसे एक टॉफी का रेट अगर दो रुपये है तो दस टॉफी का कितना होगा वही चीज़ यहाँ पे भी है तो इसका बाहर हो जाएगा यहाँ पे बाईस से आपको इसका क्या करना है गुड़ा करना है तो इसका आप जब गुड़ा करेंगे तो डेसिमल का गुड़ा करना मैं सिखा चुकी हूँ एक बार फिर से यहाँ पर सिखा देती हूँ कैसे करना होता है यहाँ पर आप जो है ले लीजिए चाहे तो इसको पहले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए तो थ्री पॉइंट वन फाइव जीरो को आपको पता है कि बाईस बाल्टियों को बाहर निकालना है तो बाईस से आपको क्या करना है गुड़ा करना है यहाँ पर आप डेसीमल नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि ये हमें जोड़ जोड़ना नहीं है यहाँ पर हमें क्या करना है इसका गुड़ा करना है तो गुड़ा करना जैसे आप गुड़ा करते हैं वैसे ही कीजिए तो आप इसका दो का जीरो से करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा ऐसे दो का पाँच से आप यहाँ पर आप दो का पाँच पर टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे जीरो और ये कैरी वन क्योंकि फाइव टू जो टेन होता है फिर आप पढ़ेंगे टू वन जो टू और ये ए, एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा यानी थ्री हो गया फिर यहाँ पर करेंगे आप थ्री टू जो सिक्स फिर नेक्स्ट आप करेंगे तो फिर से वही चीज़ आएगी आपकी यहाँ पे फिर आप इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे जब ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा ज़ीरो फिर ये भी ज़ीरो और ये हो गया थ्री ये हो गया सिक्स और थ्री कितना हो गया नाइन और ये हो गया हमारा सिक्स नाइन थ्री डबल ज़ीरो अब इसमें आपको क्या करना है डेसिमल लगाना है बस तो डेसिमल कैसे लगेगा यहाँ पर जो है एक दो तीन तीन नंबर्स के बाद डेसीमल लगाए तो यहाँ पर भी एक दो तीन तो यहाँ पर भी तीन नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा तो यहाँ पर बाईस बाल्टियों का भार कितना हो जाएगा सिक्स नाइन पॉइंट थ्री डबल ज़ीरो ग्राम इससे आप जो है ग्राम से के जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक के जी में कितना होता है वन थाउजेंड कितना होता है ग्राम तो एक ग्राम में कितना हो जाएगा वन अपॉन वन थाउजेंड के जी तो इसको आप जो है सिक्स नाइन पॉइंट थ्री डबल जीरो को जो है आप थाउजेंड से डिवाइड भी कर सकते हैं जब आप थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो जीरो कैंसिल हो गया और ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा क्योंकि एक संख्या के बाद लगा है और एक ज़ीरो अगर नीचे है तो यहाँ पर जो ऊपर जाएगा तो एक और ज़ीरो यहाँ एक और संख्या के बाद डेसीमल लग जाएगा तो सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स पॉइंट नाइन थ्री ये क्या हो जाएगा के जी इतना हो गया आपका बाईस बाल्टियों का भार तो चाहे तो आपका ये भी आंसर हो सकता है या फिर आपका ये भी आंसर हो सकता है दोनों में से जो आपको सही लगे आप दोनों करके भी कर सकते हैं या फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा दूसरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अगर छिहत्तर मीटर लंबे तार से थ्री पॉइंट एट मीटर लंबाई के कितने टुकड़े जोड़े जा सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है संख्या पूछा है जैसे आ, यहाँ पर क्या है आपको पूछा है कि अगर जैसे यहाँ पर हमसे बोला कि जो छिहत्तर मीटर है हमारा ये जो छिहत्तर मीटर है उससे छिहत्तर मीटर हमारा तार जो है वो तार की लंबाई कितनी दी हुई है यहाँ पे दी हुई है छिहत्तर मीटर ठीक है ये छिहत्तर मीटर हमारी क्या है तार की लंबाई दी गई है इससे क्या हो सकता है इसने थ्री पॉइंट एट मीटर लंबाई के कितने तार टुकड़े काटे जा सकते हैं तो छिहत्तर मीटर का आपका टोटल तार है ठीक है और मान लीजिए कि यहाँ से एक टुकड़ा आपका कितना है यहाँ पे थ्री पॉइंट एट मीटर का है तो इस छिहत्तर मीटर से मतलब इस पूरे टोटल छिहत्तर मीटर से इतने छ थ्री पॉइंट एट मीटर के कितने टुकड़े काटेंगे आप तो उसको जैसे आपसे मैंने कह दिया कि मान लीजिए आपके पास दस ब्रेड्स हैं ठीक है दस ब्रेड है दस ब्रेड में से आपको जो है दो दो ब्रेड निकालने हैं तो टोटल कितनी बार में ब्रेड निकलेगा तो वही चीज़ अब फाइव बार में निकलेगा यानी कि आप टेन से जो है टू को डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा वही चीज़ यहाँ पे भी है ये ऐसे आपसे बोला कि आपका टोटल तार जो है वो छिहत्तर मीटर लंबा है और एक टुकड़ा काटने के लिए जो है वो थ्री पॉइंट एट मीटर ले रहा है यानी छिहत्तर मीटर का आपका ये है और इतना मीटर आपसे ले रहा है टुकड़ा तो आपसे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं टुकड़ों की संख्या यहाँ पर आप निकालेंगे जब टुकड़ों की संख्या सपोज़ हमने मान लिया वो कैपिटल एन है हमारा तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप जो है ये पॉइंट हटाएंगे तब यानी कि ये हो गया सेवेंटी सिक्स ये ऊपर जीरो चला जाएगा क्योंकि नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो चला जाएगा ये थर्टी एट और ये जो है हमारा थर्टी एट जो है वो टू टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा इसको कट कर देगा तो ये हो जाएगा ट्वेंटी यानी कि कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं बीस टुकड़े काटे जा सकते हैं कितने टुकड़े बीस टुकड़े काटे जा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए इसको आपको सॉल्व करना है डेसिमल हटाना है यहाँ से मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ये थर्टी सिक्स है डिवाइड बाय यहाँ पे अगर जीरो पॉइंट आप इसको सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो सिक्स हो जाएगा तो सबसे पहले तो पॉइंट हटाइए यहाँ पे आपका पॉइंट हटेगा जब ये पूरा तो ये जितना पॉइंट्स यहाँ पे लगा है आपको पता है कि दो नंबर्स है यहाँ पे हमारे है ना दो नंबर्स के बाद यहाँ पे लगा है पॉइंट तो उतना ही ऊपर जीरो लग जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा थ्री सिक्स डबल जीरो अब में ये हो जाएगा सिक्स तो ये आपको पता है कि ये सिक्स बार में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा सिक्स हंड्रेड इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा सिक्स हंड्रेड इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ये जीरो पॉइंट जीरो 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 सिक्स सिक्स इसको क्या करना है ज़ीरो पॉइंट वन वन से क्या करना है डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो आप सबका पॉइंट्स हटाइए सबसे पहला काम है आपका पॉइंट हटाना तो पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच नंबर्स पर ऊपर पॉइंट लगा है और यहाँ नीचे दो नंबर्स के बाद पॉइंट लगा है तो आप क्या करेंगे पाँच जीरो नीचे नीचे लगा देंगे और दो ज़ीरो ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सिक्स सिक्स डबल जीरो ऊपर हो जाएगा और अपॉन में इलेवन में वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ज़ीरो हो गया सारे पॉइंट्स हट गए जीरो से ज़ीरो क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है इलेवन सिक्स या सिक्सटी सिक्स होता है तो ये हो गया हमारा सिक्स अपॉन में वन थाउजेंड तो इसको आप जब डिवाइड ऐसे भी करके लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं जीरो पॉइंट एक दो तीन तीन नंबर्स के बाद यहाँ पर तीन जीरो हैं तो यहाँ पर तीन नंबर्स के बाद क्या लगेंगे तीन नंबर्स के बाद जीरो लग पॉइंट्स लग जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो सिक्स ठीक है आई होप्स so, आप समझ गए होंगे और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पे फाइव पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई टू तो इसको पहले तो आप पॉइंट हटाइए पॉइंट कैसे हटाएंगे फिफ्टी सिक्स बाई ट्वेंटी करके टू से यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा कितना टू टू जै फोर और टू एट जी सिक्सटीन यानी ट्वेंटी एट में टेन या फिर इसके जितना जीरो है ऊपर उतना पॉइंट लग जाएगा यानी टू पॉइंट एट तो ये दोनों आपके क्या हो सकते हैं आंसर्स हो सकते हैं तो ये दोनों आपके आंसर्स हैं तो आई होप आप समझ गए होंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें बोला है कि निम्न अंकों को आ, निम्न निम्न को अंकों में लिखें तो अंकों में लिखना है तो दो सौ आठ दशमलव चार शून्य सात तो आपको पता है कैसे इसको हम लिखेंगे दो सौ आठ जैसा लिखा है वैसे लिख देते हैं दे डेसिमल में और डेसिमल के बाद की संख्या को हम वैसे ही पढ़ लेते हैं जैसे उसमें लिखा होता है तो चार लिखा है तो चार लिख लीजिए शून्य लिखा है तो शून्य सात लिखा है तो सात तो चार शून्य सात फिर आपसे दूसरा बोला है इसको भी लिखना है तो तीन सौ तीन सौ दशमलव यहाँ पे पहले तो आप तीन सौ लिख लीजिए फिर दशमलव शून्य शून्य तीन तो यहाँ पे शून्य शून्य फिर तीन तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं अंकों में लिख सकते हैं नेक्स्ट आपसे बोला है कि इनको हमें शब्दों में लिखना है तो जैसे यहाँ लिखा था ये अंकों अंकों में लिखना था इसको शब्दों में इस टाइप से लिखना है तो ये हमारा क्या है पाँच सौ तेईस है ना तो इसे आप लिख सकते हैं ऐसे पाँच सौ तेईस और आपको पता है कि जो हमारा दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसे हम ये सैकड़ा या फिर हज़ार इस तरह से नहीं काउंट करते जितना लिखा होता है वन वन करके काउंट करते जाते जाते हैं तो जैसे एक लिखा है तो एक लिख दीजिए यहाँ पे चार लिखा है तो चार लिख दीजिए और अगर छः लिखा है तो आप छः लिख दीजिए तो एक चार छः ऐसे आप लिखेंगे दूसरा यहाँ पर हमारा दो सौ छः है तो दो सौ छः ठीक है फिर इसको आप दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको वैसे ही लिख दिया जाता है तो यहाँ पे आपका शून्य लिखा है तो फिर से आपका दूसरा भी शून्य ही लिखा है और तीसरा आपका क्या है सात है तो ये आपका हो गया कैसे शब्दों में फिर यहाँ पर बोला है कि इसको दशमलव के रूप में लिखें दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे आपको पता है कि यहाँ पर जितना जीरो लगा है उतना ही ऊपर क्या हो जाएगा पॉइंट्स लग जाएंगे तो दो ज़ीरो है तो ऊपर दो दो दहाई के बाद मतलब दाएँ अंकों के उतने ही साइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर जो संख्या होगी इधर साइड में उतनी दशमलव लग जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपका लिखा है फोर्टीन तो यहाँ पे एक दो संख्या के बाद आपका दशमलव लग जाएगा तो जीरो हो जाएगा और इसको आप लिखेंगे तीन जीरो हैं तो ऊपर तीन दशमलव हो जाएंगे तीन अंकों के बाद तो यहाँ पर तीन अंक तो है नहीं तो यहाँ पर जी छः है फिर उसके बाद एक अंक और लगा दीजिए तो जीरो लगा सकते हैं फिर जीरो लगा दीजिए फिर यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे तो ये हो गया आपका ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स फिर यहाँ पर बोला है कि इसको दशमलव में लिखना है आठ रुपये नब्बे पैसे को तो जैसे अभी आप आपने यहाँ पे पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना राधा वाला जिसमें हम आ, ऐसे करके लिखा था तीन रुपये लिखा था मैं उसको पचहत्तर पैसे पढ़ रही थी यानी ये इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है तो अगर आपका आठ रुपए लिखा है तो यहाँ पर इसका मतलब है ये हमारा आठ हो जाएगा और पैसे जो होते हैं वो उसको हम दशमलव में लिखते हैं तो आठ रुपये नब्बे पैसे जो है ये हमारे टोटल क्या हो जाएंगे इतने रुपये हो जाएंगे इसी तरह से यहाँ पर सत्ताईस रुपये छः पैसे लिखा है तो सत्ताईस तो रुपये है और पैसे को हम दशमलव के बाद लिखते हैं तो ये हमारे क्या हो गया टोटल रुपए हो गया तो छः इसको आप सत्ताईस रुपये छः पैसे बोल सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका दशमलव के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि मोहन जो है वो एक माला बनाने में एक बटे तीन मिनट का समय लेता है और लगातार एक घंटे में वह कितनी माला को बना लेगा यानी कि उसने कितना बनाया जैसे इसमें अगर हम बोलेंगे कि जो एक माला है इसको अगर हम आपसे बोलें कि एक माला बनाने में लगा समय कितना है एक माला बनाने में कितना समय लग रहा है एक बटे तीन मिनट लग रहा है यहाँ पे। अब आपको इसको पहले क्या करना है इस मिनट को आप क्या करिए सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आ, इसको आप अगर करेंगे एक बटे तीन को तो आपको पता है कि एक मिनट में कितना होता है पहले तो आप यहाँ जान जा जान जाइए कि एक मिनट में जो होता है हमारा साठ सेकेंड होता है है ना दोस्तों एक मिनट में कितना होता है हमारा साठ सेकेंड होता है तो उसको सेकेंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो आप साठ से क्या करेंगे इसमें जब गुड़ा करेंगे तभी तो ये छोटी होगी संख्या तो ये हो जाएगी हमारी कितनी ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी तो ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी सेकेंड तो एक माला बनाने में उसको कितना समय लग रहा है बीस सेकेंड का समय लग रहा है और जो है वो लगातार जो है मतलब माला जो है एक घंटे एक घंटे तक बना रही है तो अगर आपको यहाँ पर बीस सेकेंड लग रहा है ठीक है तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर वो जो है एक बटे तीन मिनट में एक बटे तीन मिनट में जो है वो एक माला बना रही है तो उसको यहाँ पर एक मिनट में कितने माला बनाने में सब एक मिनट में कितने माला बनाएगी तीन माला बनाएगी बनाएगी ना एक मिनट में कितने माला बनाएगी यहाँ पर तीन माला बनाएगी क्योंकि एक बटे तीन मिनट में वो एक माला बना रही है तो एक मिनट में जो है वो एक पट्टी तीन माला एक एक मिनट में तीन माला बना रही है तो आपको भी पता है कि एक मिनट में जैसे साठ सेकेंड होते हैं वैसे ही एक घंटे में जो होता है वो कितना होता है एक घंटे में साठ मिनट होता है आपको ये चीज़ अच्छे से पता है ठीक है एक घंटे में वैसे साठ मिनट होते हैं तो अगर एक मिनट में वो तीन माला बना रही है तो यहाँ पर अगर हम आपसे बोले कि साठ मिनट में वो कितने माला बना लेगी साठ मिनट में कितने माला बना लेगी साठ में जब आप तीन से गुड़ा करेंगे तभी तो पता चलेगा कितने माला बनाएगी यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका वन एट्टी ठीक है वन एट्टी माला यानी कि आपका जो है एक मिनट का मतलब क्या हो गया एक घंटा एक मिनट का मतलब एक घंटा साठ सेकेंड साठ मिनट का मतलब क्या होता है एक घंटा तो एक घंटा में वो कितना माला बना रही है एक सौ अस्सी माला बना रही है बहुत अच्छी स्पीड है माला बनाने की तो इस तरह से क्या है टोटल हमें पता चल गया कि उसने कितने माला बनाए हैं दोस्तों आपको समझ में तो आ गया होगा ये किस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं जैसे यहाँ पर एक माला बनाने में एक बटे तीन मिनट का समय लग रहा है तो इस मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि एक मिनट में साठ सेकेंड होते हैं तो पहले तो यहाँ पर आप जब साठ से गुड़ा करेंगे तभी तो ये सेकंड में कन्वर्ट होगा तो ये सेकेंड में बन गया फिर आपको बोला है क्वेश्चन में कि वो एक मिनट में एक माला बना रही है एक माला बनाने में एक मिनट ले रही है तो एक मिनट एक बटे तीन मिनट ले रही है तो एक बटे तीन मिनट से आप इसको जब मिनट में करेंगे एक मिनट तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये तीन इधर चला जाएगा तो तीन माला बनेगा तो साठ मिनट में कितने बनेंगे क्योंकि चाहे तो आप साठ मिनट लिखिए या फिर आप एक घंटा लिखिए तो यहाँ पर साठ मिनट में एक सौ अस्सी माला यानी एक घंटे में एक सौ अस्सी माला बनेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक बाग के एक बटे दो भाग में फूलों की क्यारियां लगाई जाती हैं यदि क्यारी वाले भाग के एक बटे पांच एक बटे पांच में गुलाब बोए जाते हैं तो गुलाब बाग के कितने हिस्से में बोया गया है तो अगर यहाँ पर एक बटे दो भाग में फूलों की क्यारियाँ हैं ठीक फूलों की क्यारियों के लिए एक बटे दो भाग है जिसके एक बटे पाँच एक जिसके क्यारी वाले भाग में एक बटे पाँच में गुलाब बोए गए हैं तो गुलाब का हिस्सा आपको कितना कैसे पता चलेगा तो पहले तो आपको पता नहीं है कि कितना क्षेत्रफल है वहाँ पर बाघ का तो आप मान लीजिए कि जो टोटल वहाँ पर बाघ है वहाँ पर जो बाघ है उसका बाघ का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आप अगर क्षेत्रफल मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कितना है एक्स में एक्स है मान लीजिए ठीक है हमें नहीं मालूम है कितना है कि वहाँ का क्षेत्रफल जो है वो एक्स है ठीक है एक्स और यहाँ पर जो है मीटर सेंटीमीटर हमें कुछ भी नहीं पता तो आप मान लीजिए वहाँ पर क्या है यूनिट स्क्वायर ठीक है ये आपको नहीं पता है यूनिट लिखिए या ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं निकलता फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है यहाँ पर बोला है कि फूलों के लिए बाग का जो है एक बटे दो भाग लगता है तो अगर यहाँ पर जो है फूलों के लिए एक बटे दो भाग लग रहा है तो एक बटे दो भाग लग रहा है फूलों के लिए तो यानी कि एक बटे दो भाग किस में लग रहे हैं जो तो टो टोटल आपका जो हिस्सा है यहाँ पर फूलों के लिए आप लगाएंगे फूलों के लिए भाग तो एक बटे दो यानी टोटल में से ही तो लग रहा है टोटल में से ही तो इतना हिस्सा लग रहा है यानी कि आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट टू हिस्सा लग रहा है तो आपको भी पता है कि इस टोटल में से जो है गुलाब के लिए क्यारी का भाग कितना हो जाएगा गुलाब के लिए क्यारी का भाग अगर आप कहेंगे गुलाब के लिए क्यारी का भाग तो कितना हिस्सा है उससे बोला कि एक बटे पाँच भाग में बोया गया है और टोटल हिस्सा जो है उसका वो एक सौ टू है तो यानी यहाँ पर आ हो गया आपका एक सौ टेन तो इतना हिस्सा जो है वो गुलाब के लिए है तो ये हिस्सा है किस में से टोटल में से यही तो है यानी कि जो भाग बाघ का जो क्षेत्रफल है यानी कि इसमें अगर हम कह दें कि गुलाब के लिए जो भाग है जो यहाँ पर गुलाब के लिए भाग है के लिए भाग अगर हम कहेंगे तो कैसा है यहाँ पे गुलाब के लिए भाग आपने कैसे निकाला यहाँ पर जो आपका आ, मतलब जो टोटल भाग है जैसे टोटल जो है उसमें से ही तो यहाँ पर होगा यानी कि जो टोटल है उस हिस्से में से यहाँ पर आप करेंगे वन अपॉन्ट एक्स तो यहाँ पर आप उसमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स और ये पे हो गया आपका वन अपॉन्ट एक्स तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी एक बटे दस भाग जो है वो गुलाब के लिए है तो एक बार और समझा देती हूँ यहाँ पे जैसे आपको नहीं पता कि बाघ का क्षेत्रफल हमको नहीं पता है मान लेते हैं कि यहाँ पर बाघ का क्षेत्रफल कितना है दस है हमारा एक्स है ठीक है एक्स अगर हमारा बाघ का क्षेत्रफल है तो फूलों के लिए यहाँ पर बाघ का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो टोटल जो है यहाँ से फूलों के लिए भाग निकालेंगे तो टोटल में से ही तो यहाँ पर निकलेगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे यहाँ पर टोटल में से आप निकालेंगे तो एक्स पॉइंट टू हो जाएगा और गुलाब के लिए क्यारी का भाग यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा तो आपको टोटल भाग निकालना है ठीक है टोटल भाग कैसे आप निकालेंगे आपका जो दिया गया है यहाँ पर उल्टा हो गया यहाँ पर आप ऐसे करेंगे यानी टोटल भाग में से जो है आप यहाँ पर जो है गुलाब का हिस्सा निकालेंगे तो गुलाब का निकालेंगे तो ये हो गया एक्सा अपॉन में ये आ, ये जब पलटेगा तो ये वन अपॉन हो जाता है तो आपको ये पलटेगा तो वैसे ही रहेगा यानी कि ये आप करेंगे तो वन एक्स अपॉन टेन है ना सॉरी uh, दोस्तों यहाँ पे ऐसे नहीं होगा ये डायरेक्टली ऐसे ही होगा बस यहाँ पर आपको गुलाब के लिए भाग निकालेंगे तो एक बटे दस भाग जो है वो हमारा गुलाब का आ जाएगा तो एक बटे दस भाग कितना लग रहा है गुलाब के लिए लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसको आपको हल करना है ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं दोस्तों मैंने यहाँ आप पे आपको नोट करके मतलब सॉल्व करवा रही हूँ ताकि और कोई प्रॉब्लम ना हो आप क्वेश्चन यहीं से स्क्रीन शॉट ले करके भी कर सकते हैं समझ सकते हैं आपको बनी बनाई पूरी नोट्स मिल रही है बस आपको करना कुछ नहीं आपको समझते जाना है और आप मेरे साथ लगाते जाइए क्वेश्चन को और स्क्रीन लेते जाइए ताकि आपके पास उसका सोल्यूशन रहे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आपको मैं पी डी भी प्रोवाइड कर दूंगी बस आप मुझसे बोल दीजिए मैं आपको पी दे दूंगी इसका तो इसको आपको हल करना है आपको डायरेक्टली मैंने हल करना सिखाया है कि फाइव फोरजा तो यहाँ पे ट्वेंटी हो जाएगा उसमें थ्री ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्वेंटी थ्री अपॉइन में फाइव इसको डिवाइड करना है तो आपका इसमें टेबल पड़ेगा थ्री का टू से आप टेबल पढ़ेंगे सिक्स हो जाएगा उसमें वन ऐड करेंगे तो यहाँ पे सेवन अपॉन थ्री इसको आपको मैंने डिवाइड करना बहुत अच्छे से सिखाया है ये आपका पलट जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका थ्री हो जाएगा और ये अपॉन में सेवन हो जाएगा यानी ये आपका हो जाएगा कितना थ्री थ्री जो नाइन थ्री टू जो सिक्स सिक्सटी अपॉइन में थर्टी फाइव ये हो जाएगा आपका क्या आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि इसको सॉल्व करना है तो ये आपका टू का टेबल टेन बार पढ़िए यहाँ पर ट्वेंटी और यहाँ पे प्लस वन करेंगे तो ट्वेंटी वन अपॉइंट टू डिवाइड बाई यहाँ पर थ्री इज टू वन बाई टू है तो थ्री टू ज़ार सिक्स और यहाँ पे वन आपका हो जाएगा तो यानी सेवन अपॉइन टू तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी अपॉन् ट्वेंटी uh, वन अपॉइंट टू है और ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो टू अपॉन में सेवन हो जाएगा टू से टू कैंसिल और सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन हो जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा वन ठीक है दोस्तों ये हो गया आपका सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक बर्तन में चौदह सही एक बटे दो के जी आटा आता है तो ऐसे अट्ठारह बर्तनों में कितना आटा आएगा तो अगर आपसे एक बर्तन की बात बोला है कि चौदह सही एक बटे दो के जी यानी इसको आप सॉल्व करेंगे जब आप फ्रैक्शन फॉर्म में तो चौदह दोनों अट्ठाईस और एक उन्तीस उनतीस बटे दो ये कितना हो गया के जी तो इतना जो है वो एक बर्तन के लिए तो अट्ठारह बर्तनों के लिए कितना हो जाएगा अट्ठारह में आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा नाइन इंटू ट्वेंटी नाइन के जी यानी ये हो जाएगा कितना नाइन नाइन जै एट एट्टी वन हो जाएगा नाइन टू जी एटीन एटीन और एट कितना हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड सिक्सटी वन के जी ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट में एक स्कूटर एक लीटर पेट्रोल में ट्वेंटी एट किलोमीटर जाता है तो फोर्टी एज टू थ्री बाई टू लीटर में कितने किलोमीटर जाएगा तो आपको पता है कि एक लीटर में जो है वो अट्ठाईस किलोमीटर जा रहा है तो फोर्टीन इज टू थ्री बाई टू किलोमीटर में जो है वो कितना जाएगा फोरटीन सॉरी फोर इज टू थ्री बाई टू किलोमीटर में कितना जाएगा तो फोर इज़ टू थ्री बाई टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी एट तो पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए फोर टू जय एट और प्लस थ्री एट और थ्री कितना हो जाएगा इलेवन अपॉन में टू ये हो गया ट्वेंटी एट तो ये कैंसिल हो गया ये फोरटीन हो गया तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वन फिफ्टी फोर तो कितना किलोमीटर जाएगा वन फिफ्टी फ़ोर किलोमीटर जाएगा तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपने वेतन का एक बटे चार भाग खर्च कर दिया है एक बटे चार भाग जो है वो घर के खर्च में किया है और एक बटे दस भाग बच्चों की शिक्षा में कर दिया है तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं तो सबसे पहले तो आपको पहले टोटल खर्च निकालना पड़ेगा तो इस तरह से क्या हो टोटल खर्च आपने निकाला टोटल खर्च आपने निकाला यहाँ पे वन बाई फोर और ये जो है वन बाई टेन दोनों का आपने जब क्योंकि आपको पता है कि इसने एक बटे चार भाग घर में निकाला है और एक बटे दस भाग बच्चों की एजुकेशन में खर्च कर दिया है तो टोटल आपका खर्च निकालेंगे तो यहाँ से आपका सेवन बाई ट्वेंटी हो जाएगा इस क्वेश्चन को अगर आप बचा हुआ हिस्सा निकालना है तो कैसे निकालेंगे जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के लिए कि आपने एक बटे हिस्सा जो है वो झूठ बोला है तो आपने कितना हिस्सा सच बोला है दो बटे हिस्सा सच बोला है तभी तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो तीन बटे तीन पर करेंगे तो एक आएगा जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपके पास जो है वो पाँच बटे दो हिस, आ, हिस्सा हिस्सा मान लीजिए आपके पास सेब हैं तो कितना बचा हुआ हिस्सा आपके पास जो है तो तीन बटे दो आ, हिस्सा जो है सॉरी इसको जब आप वन से घटाएँगे यानी कि इसको मैं बड़ा वाला भाग लेकर के सिखा देती हूँ जैसे मान लीजिए आपने जो है कि किसी सेब का एक बटे चार हिस्सा खा लिया है तो बचा हिस्सा कितना है तीन बटे चार हिस्सा बचा है तभी तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये चार बटे चार होगा यानी वन आएगा तो ये जो है निकालते कैसे हैं हम लोग जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे सात बटे बीस हिस्सा आपने खर्च किया है तो आपका बचा हुआ हिस्सा कितना है एक में से जब आप घटाएंगे तभी तो बचा हुआ हिस्सा निकालेंगे क्योंकि आपको पता है ये कैसे आया ये एक जैसे यहाँ पर मैंने सिखाया आपको कि चार बटे हिस्सा सेब का खा लिया है तो आपने बचे हुए से कैसे निकाले हैं एक में से घटा करके ही तो निकाले हैं ना क्योंकि जब आप इसको घटाएं हैं फोर माइनस वन अपॉइंट फोर यानी थ्री अप फोर तो कैसे आया एक में से घटाकर ही तो आपने बताया कि इतने हिस्सा आपने खर्च कर लिया है खा लिया है तो वही चीज यहाँ पर भी है कि तो बचा हुआ हिस्सा कैसे निकालेंगे एक में से जब घटाएंगे तभी तो यहाँ पर बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा तो ये होगा इसका आंसर नेक्स्ट आपसे बोला है कि दशमलव संख्या इसको आप स्थानीय मान में व्यक्त करिए तो चलिए बनाते हैं इसका चार्ट हम लोग स्थानीय मान वाला यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपको चार्ट बनाना पड़ेगा तो स्थानीय मान का आपको चार्ट बनाना मैंने सिखाया है यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर आपको पता है कि तीन संख्या इकाई दहाई सैकड़ा तो मैंने इकाई दहाई सैकड़ा का चार्ट बनाया यहाँ पे और फिर यहाँ पर जो है ये दसवां है, ये सौवां है और ये हमारा क्या है हजारवां भाग है तो इस तरह से ये हमने बनाया है तो आपको पता है कि इकाई में हमारा फाइव है और दहाई में हमारा सेवन है और सैकड़े में हमारा सिक्स है दसवें भाग में हमारा क्या है नाइन है और सौवें भाग में हमारा टू है और हज़ारवें भाग में हमारा एट है तो आपसे छः का स्थानीय मान मैं अगर पूछूं तो छः का स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा छः सौ हो जाएगा क्योंकि ये सैकड़े पे है और सात का स्थानीय मान मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा सत्तर हो जाएगा क्योंकि ये दहाई पे है और पाँच का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा पाँच ही हो जाएगा क्योंकि वो इकाई पर है ऐसे अगर मैं पूछूँ कि दशमलव के बाद वाले अंकों का स्थानीय मान तो नौ का स्थानीय मान क्या है दसवें पर है ना वो दस है आपका तो नौ बटे यानी कि जीरो हो जाएगा आपको दो का स्थानीय मान मैं बोलूँ तो दो बटे क्योंकि वो सौवें स्थान पर है तो यहाँ जीरो पॉइंट जीरो टू हो जाएगा एट का बोलू तो यहाँ पर एट बटे वन थाउजेंड हो जाएगा तो इस तरह से इसका निकालेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट हो जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान तो ऐसे आपको पेपर में अगर आए तो आप इसी टाइप से एकदम सॉल्व करिएगा फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों को आपको हल करना है बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसको आपको बस जोड़ना है तो यहाँ पे आपको 12.5 से ये से यहाँ पर कितना 07.13 इनको जोड़ना है तो यहाँ पे जीरो आप लगा करके कर दीजिए और यहाँ पे आपका थ्री आ गया यहाँ पे आपका सिक्स और इसको सेवन और टू जोड़ेंगे तो नाइन और ये वन तो आपका आंसर आ जाएगा नाइनटीन पॉइंट सिक्स थ्री ये हो गया क्या आपका आंसर किसका हमारा ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव में से आपने यहाँ पे इसको ऐड किया है तो आपको ये आंसर आया नेक्स्ट है बोला कि इस इन दोनों को आपको हल करना है तो बहुत ईजी है तो इसको हल करना है घटाना है तो आप ज़ीरो पॉइंट फाइव में से यहाँ पे टू पॉइंट सेवन एट को आप जब घटाएंगे तो आपको पता है कि फाइव में से तो जाएगा नहीं यहाँ एट जो है वो फाइव में से नहीं जाएगा तो यहाँ पे कैरी लेगा तो ये फिफ्टीन हो जाएगा तो फिफ्टीन में से एट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका सेवन बचेगा यहाँ पर आपका कितना बच रहा है यहाँ पर नाइन बच रहा है नाइन में से सेवन जाएगा टू और यहाँ फाइव हो गया फाइव में से टू तो जाएगा थ्री तो थ्री पॉइंट सेवन टू ये हो गया आपका आंसर ये आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं ये रफली करके आप ऐसे लिख सकते हैं पेपर में आपका अगर आएगा तो माइ माइनस करके इस तरह से आप करेंगे ठीक है दोस्तों इसको आप रफली कर सकते हैं इसी टाइप से यहाँ पर भी टू पॉइंट सेवन एट को करना है तो यहाँ पे आप जीरो लगा के तभी बराबर कर सकते हैं माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा एट तो जाएगा नहीं जीरो में से तो यहाँ पे आप क्या करेंगे टू ले लेंगे क्योंकि आपको पता है कैरी लेंगे तो टेन हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपका बचेगा फोर तो फोर तो नहीं जाएगा यहाँ पर आपने कैरी लिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा फो ये इससे कैरी लेगा तो फ़ोर्टीन हो जाएगा तो यहाँ पर सेवन हो जाएगा सेवन में से फोर्टीन जाएगा तो सेवन बचेगा फिर आपका ये फाइव हो गया फाइव में से टू जाएगा तो थ्री आपका आंसर क्या जाएगा थ्री पॉइंट सेवन टू हो जाएगा ये हो गया आपका आंसर नेक्स्ट बोला है कि इसको आपको हल करना है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपको पॉइंट्स को पहले हटाना है तो पॉइंट्स हटाने के लिए जितना पॉइंट ऊपर है उतना नीचे ज़ीरो और जितना पॉइंट नीचे उतना ऊपर जीरो तो यहाँ पे आप उतने ही जीरोस लगा दीजिए तो यहाँ लगाएंगे तो यहाँ तीन जीरोज़ है तो यहाँ मतलब तीन पॉइंट्स है तो यहाँ तीन जीरोज हो गए हैं यहाँ पर एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक जीरो हो गया जीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया तो इस तरह से जो है इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं कट करके भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका टू सिक्स ट्वेंटी फोर फिर आपका यहाँ पर जो है कैरी यहाँ पर टू हो जाएगा टू फाइव जर टी और टू सिक्स ट्वेंटी फोर तो ये हो जाएगा सिक्स फिफ्टी सिक्स था अपन था में था वन था हंड्रेड और या फिर इसको आप कैसे सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बोला है कि इसको आप सॉल्व करिए तो पहले तो आप देखिए डायरेक्टली ये हमारा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा कैसे ये फाइव बार में कट हो गया तो इसको डायरेक्टली आप देखेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव ये हो जाएगा आपका आंसर दूसरा आपसे बोला है कि इसका आपको मान बताना है तो कैसे आप बताएंगे इसको आप जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स जीरो ट्वेंटी फोर हो जाएगा और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो संख्या के बाद दशमलव लगना चाहिए तो यहाँ तो दशमलव नहीं तो ये ऑप्शन कट हो गया यहाँ पर दो संख्या नहीं तीन संख्या के बाद लगा तो ये भी ऑप्शन कट हो गया यहाँ पर जो एक संख्या के बाद लगा तो ये भी कट हो गया तो बचा हमारा ये ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट आपसे बोला है कि पॉइंट जीरो ज़ीरो फ़ाइव का आपको मान बताना है तो आपको पता है आप सॉल्व करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव है यानी जितना आपका ऊपर जीरो है उतना आपका पॉइंट है उतना नीचे आप जीरो लगाएंगे तो वन फाइव अपॉन हंड्रेड हो जाएगा तो आप सॉल्व करेंगे तो फाइव टू ज़रा टेन यानी वन अपॉन ट्वेंटी इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ दूसरा बोला है कि छः ग्राम कितना होगा तो आपको पता है कि एक केजी में जो होता है वो वन थाउजेंड कितना होता है हमारा ग्राम होता है तो अगर आपसे बोला है कि ग्राम से यहाँ पर आपको केजी में जाना है तो आप क्या करेंगे वन ग्राम इज इक्वल टू वन अपॉन वन थाउजेंड के तो सिक्स ग्राम इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सिक्स में आप क्या करेंगे वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर आपका वाला आ रहा है फिर बोला है आपको इसको आपको हल करना है मैंने आपको सिखाया है कैसे हल करते हैं ये जो हमारा डिवाइड होता है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये थ्री इज़ टू वन बाई टू है तो ये आ, पहले तो एक काम करिए ऐसे नहीं पहले तो आप ये जो है इसको ईजिली फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो ये आपका हो जाएगा थ्री टू जो और ये सेवन तो सेवन अपॉइन टू हो गया फिर आप इसको जब करेंगे तो ये आपका पलट जाएगा ये टू अपॉन सेवन हो जाएगा यानी ये हो जाएगा सिक्स अपॉन में फोर्टी नाइन तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नेक्स्ट आपसे बोला है कि अच्छा इसका मान इस क्वेश्चन में शायद कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई होना चाहिए या फिर ऑप्शन नंबर आपका ये होना चाहिए तभी ये आपका आएगा तो ये आपको जो है उसको तो देख लीजिएगा सॉल्व करके यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तभी ये सॉल्यूशन इसका यहाँ पर ऐसे होगा तभी आपका कट हो जाएगा और ये आपका थ्री बाई टू आएगा तब आपका ऑप्शन नंबर दस सही होगा यानी कि यहाँ पर आपका जो है वो गलत दिया हुआ है तो इतना स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा फिर आपसे बोला है कि टू एज टू वन बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई वन एज टू वन बाई फोर तो टू एज टू वन बाई फाइव का मतलब है फाइव टू जैड टेन और वन यानी इलेवन अपॉइन फाइव मल्टीप्लाई में फाइव फोर वन जो फोर और फाइव हो जाएगा तो फाइव अपॉइट वन तो कैंसिल हो गया यानी आपका आएगा यहाँ पे कितना इस वाले ऑप्शन में भी शायद कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे भी आपका इलेवन ही आएगा एकदम सही हम लोगों ने किया है यहाँ पे फाइव टू जेड टेन और इलेवन अपॉइन फाइव और ये वन इज़ टू वन बाई ये हो जाएगा फाइव अपॉइन वन एकदम सही है पता नहीं क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक यहाँ डिवाइड होगा तभी हो सकता है ये सॉल्व हो यहाँ पर आपसे बोला है कि एक बटे पाँच और दो बटे पाँच को आपको क्या करना है जोड़ना है तो आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पर क्या है ये आपको जो हर समान है तो आपका ये जो है जुड़ेगा तो ये आपका तीन बटे पाँच ही आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका अ सही हो जाएगा दूसरा आपसे बोला है कि दो बटे पाँच में से एक बटे पाँच को आपको घटाना है इसका मान बताना है तो आप इसमें क्या करेंगे दो बटे पाँच में से एक बटे पाँच को कैसे घटाएंगे सबसे पहले तो आप एल्सीम लेंगे तो ट्वेंटी आएगा नीचे से भाग ऊपर से गुड़ा करेंगे तो फोर इंटू टू एट हो जाएगा यहाँ टू इंटू एट ये माइनस हो जाएगा और ये फाइव बार जाएगा तो

माइनस टू अपॉइंट फाइव का आपको मान आपको बताना है तो कैसे बताएंगे यहाँ पे तो इसका मान आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका थ्री बाई फाइव है प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस टू अपॉन में फाइव हो जाएगा और आपको पता है कि फाइव और फाइव नीचे का हर जो है वो समान है तो तीन में से एक जाएगा कितना बचेगा तीन में से दो जाएगा तो एक बचेगा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तो इस तरह से आप समझ गए होंगे दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आई होप आपको आज का वीडियो सही लगा होगा आपको कोई कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग